यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। किन्नौर के भाभा नगर उपमंडल के गांव काचुरंग में बादल फटने की जानकारी मिली है। क्षेत्र में करीब दो घंटे से तेज बारिश हो रही थी। सूचना के अनुसार कुछ पशुओं के भी इसमें बहने की संभावना है। दिन में पशुओं को जंगल चराने के लिए छोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में बादल फटे हैं और उसके बाद आई बाढ़ से नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बादल एक से अधिक बार फटे हैं, जिससे ग्रामीण भय के कारण गांव खाली कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हुए हैं। तो किन्नौर में कई जगह पर बादल फटे हैं और यहां पर बादल के फटने के साथ ये भी खबर है कि इसमें जंगली पशु भी बह गए हैं। पशुओं को छोड़ा गया था चरने के लिए और बादल फटने की वजह से पशु भी बह गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की यहाँ पर खबर नहीं है। तो काचरंग में बादल फटा है और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से गाँव वासियों ने ये गाँव अभी छोड़ने का फैसला लिया है और सुरक्षित जगह पर वो चले गए हैं। तो हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। अगर बात करें किन्नौर की तो किन्नौर में भी बारिश लगातार हो रही है और बारिश के साथ साथ कई जगह पर बादल भी फटे हैं, जिसकी वजह से कई जंगली पशु बह गए हैं। और किन्नौर से हमारे संवाददाता विशेषर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशेषर नेगी जी, इस वक्त कैसा माहौल है, कैसा मौसम बना हुआ है किन्नौर में? किन्नौर में मौसम बादल है और काफी धुंध सी छाई है और चारों ओर बादल छाए हैं और जिससे काफी मौसम गर्मी से लोगों ने निजात दी है, लेकिन जो कणों भरी धूल है उससे लोगों को परेशानी भी हो रही है और जो बादल फटे हैं उससे भी, एक जगह पर बादल फटे उससे काफी नुकसानी भी हुई, लोगों की जमीनें भी बह गई थी। जी विशेषज्ञ ने कि जी बादल फटा है तो इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर है फिलहाल? जी इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो मवेशी है पालतू वो बह गए हो सकते हैं और लोगों के खेत जरूर बह गए हैं, बाकी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी और प्रशासन क्या कर रहा है, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी? जी दूर दराज का इलाका होने के कारण जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी है राजस्व और प्रशासन की ओर से अधिकारी मौके की ओर रवाना हो गए हैं और उनको जो भी नुकसानियां हैं लोगों की उनके नुकसानियों के एवज में जो भी सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार दी जाएगी। विशेषण है कि काचरंग में कुछ लोगों को अपनी जगह भी छोड़कर जानी पड़ी है सुरक्षा के लिहाज से? जी तो जब बादल फटे लगातार पानी बढ़ता गया आसपास में तो इससे लोगों में भय पैदा हुआ और भय के कारण लोग सुरक्षित स्थान के लिए कुछ समय के लिए निकले थे और जैसे ही हालात सामान्य हुए उसके बाद लोग वापस घरों को चले गए थे। अब हालात सामान्य है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशेषर नेगी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता किन्नौर से विशेषर नेगी जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने जानकारी दी कि लोग सुरक्षा के एहतियात सुरक्षा को देखते हुए किसी सुरक्षित जगह पर चले गए थे खुद को बचाने के लिए। तो जैसे ही अगर स्थिति सामान्य हो जाएगी लोग वापस लौट कर अपने घरों को आ जाएंगे।